क्या नाम? नौशाद भाई? नहीं, शफीक भाई। शफीक, शफीक भाई, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या 2014 में जो प्रधानमंत्री बने बीजेपी के से पार्टी के द्वारा, आपको उनका कार्य कैसा लगा और आपकी क्या राय है? कौन कौन सी चीज़ें उनकी जो उन्होंने करी हैं वो आपको पसंद आई? भाई, मोदी जी की जो काम करने का अंदाज, काम करने का तरीका, वो हमें पसंद आया। क्या पसंद आया? नहीं कि रोजगार है या नहीं, ये तो हल्का मंदा चलता है, लेकिन जो जितने सारे चोर चक्के, जितने दरादर के सब होते, सब ये शांत हो गए। शांत नहीं हो गए, वो तो इकट्ठे हो रहे हैं सब। इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या चीज़ पसंद आई आपको मोदी जी? मोदी जी की बात कर रहा हूँ, मोदी जी की जब से आए हैं क्या चीज़ पसंद आई? और क्या, जैसे कि जो आजकल एक वो चल रहा है कि जो हज यात्रा है, हज यात्रा, सुनो, हज यात्रा में जो पैसा सब्सिडी में मिलता था वो उन्होंने सब मुसलमान महिलाओं को दे दिया, तो इस बारे में क्या राय है? सुना होगा आपने, शायद ऐसा कुछ हुआ है। महिला जो तलाक के बारे में मामला होता है, उस महिलाओं को दिया ना उन्होंने? मतलब जो भी दिया है वो बताओ ना। नहीं, तलाक के बारे में ही तो दिया है, ये भी तो बताऊंगा। नहीं, वो सब्सिडी जो दी है वो मुसलमान महिलाओं को दी है। तो अच्छा किया उन्होंने, अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, इसके अलावा तीन तलाक मुद्दे पे क्या राय है आपकी, जो किया उन्होंने या करने की कोशिश कर रहे हैं? तीन तलाक जो है, कुरान में ही तीन तलाक लिखी है। अच्छा, ये उनकी सही बात है, जो कराया सही करा उन्होंने? नहीं, वो तो सही कराया, लेकिन उसका तरीका जरा सा गलत है। करने का तरीका गलत है, जरा सा तरीका गलत। तो वो क्या है गलत, क्या क्या होना चाहिए उसमें? तो उसको कुरान के तरीके से जो लोग कहते हैं, या औरतें कहती, महिला कहती है कि तलाक हमें नहीं हुआ है, एक बार वाकई तलाक नहीं होता। तलाक में एक महीने की मुद्दत होती है। जी जी, तीन बार, तीन महीने में तीन तलाक होती है। चलो खैर, एक बार तलाक दे दी वो। आपकी बात मैंने मान ली, पर आप ये बताओ मुझे कि ये जो मोदी जी कर रहे हैं देश के लिए, वो क्या आपको लगता है कितना बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताइए आप अपने शब्दों में बताइए। अभी बढ़िया घटिया का अभी क्या पता चलेगा, अभी तो 4-5 साल ही हुए, अभी 5-10 साल और आगे भी चलेंगे जब बढ़िया घटिया। मतलब वोट इस बार मोदी जी को देनी चाहिए? हाँ, मोदी जी को वोट देनी चाहिए। भाई वाह, भाई वाह।